दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपस्टिक पर। दोस्तों जैसा आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी 17 से 21 अक्टूबर को नहीं होंगी परीक्षाएं, यानी कि 17 अक्टूबर से जो 21 अक्टूबर तक होने वाली परीक्षाएं थी ग्रुप डी की, वो कैंसिल कर दी गई है आरआरबी की तरफ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए और जानना समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो उन तक ये न्यूज़ पहुँचनी ज़रूरी है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, वरना वो एक टिकट कटा के जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा और टाइम की भी बर्बादी होगी। तो चलिए ये क्यों कैंसिल हुआ है हम देख लेते हैं। आप जैसा देख सकते हैं ऑफिशियल आज तक की न्यूज़ है, आज तक से खबर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड ने 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की परीक्षाएँ आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। आरआरबी ने 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्र की जानकारी उम्मीदवार क्षेत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्थ रेलवे के CPO चीफ पर्सनल ऑफिस सर अंगराज मोहन ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग में मुख्य रूप से मनाया जाता है, वहीं उत्तरी भाग में दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में यहां के छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए बोर्ड ने 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की परीक्षाएं न आयोजित करने का फैसला किया है। और देख लीजिए एक और चीज़ है कि साथ ही बोर्ड दिवाली और छठ पूजा के दौरान परीक्षाएँ आयोजित नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका इस बीच में एग्जाम था, और साथ में आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर ही रहे हैं ग्रुप डी की। तो जो भी ग्रुप डी की खबर आ रही है वो आप लोग तक पहुंचती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो न्यूज़ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।